तो सेकंड एक्सपीरियंस के साथ मैं आप लोगों के सामने हूँ, और सेकंड एक्सपीरियंस अगेन बहुत बैड है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले विलास का एक्सपीरियंस शेयर किया था, अब मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ दुबई दुबई हॉस्पिटल के हवाले से अपडेट करने जा रहा हूँ। वहाँ पर जो मेरे साथ हुआ वो ये कि पूरे दिन हम लोग आउटिंग करते और पानी मैंने पिया नहीं था, तो किडनी की क्योंकि मुझे प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से जब मैं घर आया यानी कि अपने रूम में मैं पहुंचा, तो खाना वाना खा के थोड़ी देर बाद ही मेरी किडनी में पेन स्टार्ट हुआ। दैन फाइनली हम लोग हॉस्पिटल पहुंचे, और हॉस्पिटल में क्या हुआ, खैर उन्होंने अपनी एंट्री वेंट्री करी। सिर्फ एंट्री करते में ही उन्होंने आप समझ लें 5 से 10 मिनट उन्होंने गुजार दिए एंट्री में ही, एंट्री के दौरान आगे से गली गया। अब एंट्री कर दी उन्होंने, खैर फर्दर आगे गए हम, वहाँ पर जब डॉक्टर के साथ हमारी हमें मिलना था, डॉक्टर ने हमारे पास आना था, तो डॉक्टर ने आने आने में कोई 25 मिनट लगा दिए, 20 मिनट में ट्रीटमेंट हो गया, 20 से 25 मिनट उन्होंने लगा दिए। लेकिन डॉक्टर जो है ना आएंगे, और मेरी हालत ये थी कि मैं जो वेटिंग एरिया था वहाँ पर ज़मीन पर मैं लौट रहा था, क्योंकि किडनी में बहुत शदीद पेन हो रहा था। और आपका जो वहाँ पर जो वहाँ के रिहायशी थे अरबी थे, इवन के उन्होंने फिर उन्होंने भी शोर मचाया, लेकिन फिर भी डॉक्टर नहीं आया। फिर मैं अपने जिस फ्रेंड के साथ यहाँ पर, जिस फ्रेंड के साथ मैंने स्टे किया हुआ है, वो गया, उसने नर्स से कहा, नर्स ने उसको फिर टाल दिया। ठीक है, फिर तकरीबन आप समझ लें कि 15-20 मिनट बाद उसने शोर मचाया, तो डॉक्टर आके बोलता है कि अपना मैं अभी फ्री नहीं हूँ, एक ही डॉक्टर है यहाँ पर, हार्ट के पेशेंट भी हैं और बला 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 पता नहीं कौन कौन से यहाँ पे सारे पेशेंट मौजूद हैं, तो जब मैं फ्री होऊंगा देन फिर मैं आपको देखूंगा बाहर। ये इन सारी प्रोसेस में, और हालांकि हम इमरजेंसी में थे, इमरजेंसी में ये कंडीशन है दुबई हॉस्पिटल की, ठीक है, इमरजेंसी की मैं बात कर रहा हूँ आपको। फिर इस सारे प्रोसेस में आप समझ लें कि 20 से 25 मिनट गुजर गए, फाइनली मेरे दोस्त ने वहाँ पर जाके थोड़ा सा शोर मचाया, और इसके बाद डॉक्टर आया। अब जब डॉक्टर आया तो आप यकीन करें, सिर्फ डॉक्टर ने आके मुझसे जो है ना पूछा कि क्या फील हो रहा है, मैंने सिर्फ उसको बताया कि इस साइड पे मेरे पेन फील हो रहा है, तो वो गया और उसने नर्स को जो है ना वो बता दिया कि क्या मेडिसिन वगैरह। अब इनके उस डॉक्टर ने एक हाथ तक टच नहीं किया, क्योंकि ब्लड प्रेशर वगैरह पहले ही है, लेकिन डॉक्टर ने सिर्फ आया कमरे में, तो आप समझ लें कि उसने कोई मैक्सिमम 4 to 5 सेकेंड उसने जो है ना रूम में लगाए होंगे, देन वो आया और इसके बाद वो चला गया। अच्छा, इसके बाद जब ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। ट्रीटमेंट क्या हुआ कि नर्स आई और पहले तो जो कैनूला वगैरह लगाते हैं हाथ में, तो कैनूला उसने गलत लगा दिया, उस नर्स के हाथ खुद जो है ना समझ लें वो एक तरीके से कपकपा रहे थे उसके हाथ, और मुझसे बार बार कह रही थी प्लीज़ डोंट मूव योर हैंड, आई नो दिस इज़ वेरी पेनफुल, प्लीज़ होल्ड डाउन। बस इसके अलावा तो उसको और कुछ आता ही नहीं था। खैर उसने कैनूला मेरे गलत लगा दिया, फिर उसने दोबारा निकाला, फिर उसके बाद उसने दोबारा लगाया उसने कैनूला, और मतलब ये सारे इसके बाद जो उनके कंप्यूटराइज सारा सिस्टम था, इनकी जो डॉक्टर आया उसने पूछा, उसके बाद जब वो गया तो अपने सिस्टम पे ही उसने अपडेट कर दिया। नो डाउट सिस्टम बहुत अच्छा है, लेकिन इस सिस्टम में टाइम कितना लग रहा है ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो उसने आगे अपने सिस्टम पर अपडेट कर दिया, जिस तरीके से हम लोग नॉर्मली ई मेल का रिप्लाई वगैरह करते हैं। फिर जो नर्स थी उसने अपने सिस्टम पे चेक किया, देन कौन कौन सी मेडिसिन लिखी है, इसके बाद उसने मतलब समझ लें कि वो आती एक अगर सिरिंज वो खोलती तो अपने वो सिस्टम पे वो अपडेट करती, इस तरह सारी चीज़ें वो सिस्टम पे अपडेट करती आ रही थी। अब इसको अगर मैं अपने पाकिस्तान से कंपेयर करूँ तो भाई इधर हम रोड पर निकलते हैं, रक्षा पकड़ते हैं, चीची पकड़ते हैं, डायरेक्ट हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट, विद इन 5 to 10 मिनट ट्रीटमेंट भी स्टार्ट हो जाता है, और 15 मिनट के अंदर आराम भी आ जाता है, देन 20 से 25 मिनट में बंदा घर पे। मेरे साथ लास्ट टाइम जो प्रॉब्लम हुई थी आपका 2 से 3 साल पहले, तो एक हॉस्पिटल में गया था इमरजेंसी में,
दैन आप समझ लें कि 20-25 मिनट में ऐसा हो गया था बिल्कुल सुन और मैं सो गया था। और यहाँ पर आप समझ लें जो कंप्लीट ट्रीटमेंट हुआ एक घंटा आप उसका समझ लें कि मतलब सिरिंज वगैरह लगी, डॉक्टर आया गया, नर्स ने चेक किया, ये सारी चीज़ें। तो ये फ़र्क है। इससे अच्छा तो भाई हमारी मुल्क पाकिस्तान अच्छा है, इतने जो इन्होंने सिस्टमेटिक सारी चीज़ें बनाई हुई हैं ये सब किस काम की। तो उम्मीद है आप लोगों को ये एक्सपीरियंस जैसा भी लगाओ कमेंट करना नहीं भूलिए। थैंक यू।